आपसे भी जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है ये लॉन्च का इवेंट हो रहा है यहाँ पे। इनको पूछो कैसा टॉर्चर किया अभी। अरे बाप रे, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत डिफरेंट है। सोचा था एक्चुअली जर्नी शुरू हुई थी, सबको पता है, हाथ से लेके प्लान से लेके पेपर से लेके किस तरह से हम चले, और फिर वो एक बड़ा सा मुजस्मा बना, और उसके बाद लोग आते गए, कारमा बनता गया, भाव आए और चीजें होती गई और कमाल हो गया। और रास्त पूछ सकते क्या बात है। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, एक क्वेश्चन पूछा था, मैं जवाब उसमें रह गया। जब हम ऑफिस में बैठे हुए थे और डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि भाव को लेना है, तो मेरे जहन से एक गाना निकला, उसको कॉपीराइट मत बनाइएगा, मतलब कि तुझे अपना साथी बनाने से पहले मुझे मेरी जान बहुत सोचना है। सही बात है, सही बात। जब बासु मैम और ये अपने भाई रमेश भाई आए थे और इनके साथ आए थे, तो इन्होंने मेरे से बातचीत तो की मेरे यहाँ पे, फिर नीचे जाके इनको बोले भाई ये सच में आएगा ना, इसको जरा समझा ना। तो मैं बोला यार एक बार जवाब दिया तो फिर दिया, नहीं तो नहीं फिर ऐसा है। वंस अगेन एक और बार आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशंस, आज लॉन्च है। बहुत बहुत बधाई निवेदिता जी। समाज में जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो
बाहर तक नहीं जाती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी इज्जत को डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे चक्कर में ना, आधे लोग डर के ना अपनी इज्जत से, इज्जत के लिए डर के बताते नहीं। तो ऐसा कुछ ऐसा मैसेज है कि आप बोलो, जब तक आप बोलोगे नहीं कैसे पता चलेगा लोगों को कि आपके घर में क्या हो रहा है, आपके समाज में क्या हो रहा है, आपके परिवार में क्या हो रहा है। बोलना सीखो बस, ये है इसका। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी कहानियां थी जो हमने सिर्फ उसकी दो तीन लाइनें सुनी और हमको मतलब हेडेक होने लगा। आपको कितना प्रेशर किया इस स्टोरीज ने, अगर उस बारे में कुछ बताया, और कितना सोचते थे आप शूट के बाद भी इस स्टोरीज के बारे में? बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई जिसमें कभी कभी तो ऐसे आग से आंसू आ जाता था यार, कि ऐसे भी लोग हैं समाज में कि एक बच्ची को, एक औरत को समझ नहीं पा रहे। तो यार इतना भी किसी को आप उसके मजबूरी का फायदा मत उठाओ यार। वो इंसान कुछ बोल नहीं पाता इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। कोई इंसान अपनी इज्जत से डरता है, कोई इंसान अपने परिवार के लिए चुप बैठता है, कोई इंसान थोड़ा सा दूर रहता है ये सब चीज़ों से, मगर जिसको तुम लोग ने आज तक कमज़ोर समझा ना, उसने इतिहास बनाया है। तो किसी को कमज़ोर मत समझो कभी, ऐसा है। हाँ, आपने एक जगह लगा दिया है तो मुझे देखा है, तो कितना जोर का लगाया उसको। अगर मेरे जगह पे ना और कोई रहता और वो इंसान जो इंसान ने वो कुछ किया, वो चीज़ अगर यहाँ पे आम इंसान भी अगर सुनता ना, तो आप भी उस पे ऊपर हाथ उठा लेते। कुछ चीज़ें ऐसी है उसमें जिसके वजह से थोड़ा गुस्सा होता है, ऐसा है। जो आप लोगों को नहीं आता है ना, आपको भी आना चाहिए। जब आपके सामने, आपके आंखों के सामने अगर किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, किसी बहन बेटी को कोई गलत कर रहा है, किसी बेगुनाह को कोई तकलीफ दे रहा है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वहाँ खड़ा रह के ना कैमरा नहीं चलाने का, उसको खड़ा रह के कान के नीचे देने का। तभी मेरे को गुस्सा आता है और मैं तब फाइनल करता हूँ। आप लोग भी करो ना यार। क्या है मालूम है आप लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि आपके घर तक नहीं आया ना। आपको कब एहसास होगा? जब आपके घर में किसी बहन बेटी के साथ होगा ना, तब आप बोलेंगे साला बताऊंगा। मगर आपके बाजू वाले के साथ हो रहा है ना, तो आप बोलेंगे हमको क्या करना है। ये हमको क्या करने में ना आधे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो ऐसा मत करो, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, फिर वो राजनीति हो या समाज, इतिहास आवाज़ उठाने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वाले भड़वों का नहीं। भाव, लेकिन आपको नहीं लगता है कुछ लोग जो है हमारे लॉ सिस्टम की वजह से बैक स्टेप हो जाते हैं, यू नो, और इसी वजह से लोग आवाज़ नहीं उठाते, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे वो रस्ते पर सड़क पर कोई लड़की के ऊपर उंगली उठाना हो और लोगों को यू नो बोलना हो लड़कियों के ऊपर, लॉ सिस्टम की वजह से लोग पीछे हट जाते हैं? नहीं, क्या है ना, पहले चलता था, मगर जब से सोशल मीडिया आई है ना, सोशल मीडिया आई है और आज का जो यूथ है ना, उसके पास अगर ये चीज़ पहुंच जाती है ना, किसी बेगुनाह को, किसी बहन बेटी को अगर कोई तकलीफ दे रहा है और वो वीडियो पहुंच जाता है ना, वो कंफर्म है कि जिसने भी वो तकलीफ दिया उसके पिछवाड़े में झाड़ू डाल के उसको मोर बनाया जाता है। अभी अपना कानून पहला चलता था, अभी वो कानून नहीं रहा। कानून के ऊपर क्यों उंगली बताते रहे? जो ऊपर वो बड़े बड़े नेता बेटे ना, बड़े बड़े वो क्या बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग बेटे ना, उनके ऊपर आप लोग उंगली भी उठाओ। ये पुलिस वालों के ऊपर नहीं बताने का, वो पुलिस के वजह से आज अपनी बहन बेटियाँ ना रस्ते पे ना बिंदास घूमता है। उन अपना जो त्यौहार बनता है ना, वो पुलिस वालों के वजह से बनता है। वो पुलिस वाले को पूछ लेना, माँ का उसका अगर मैयत होता है ना, उसको छुट्टी नहीं मिलता है। बेटी के साथ कभी दिवाली मनाया, कभी होली मनाया,
पूछ लेना उसको। ये बात आपकी मानती हूँ, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह से थोड़ा लॉ में प्रेशर पड़ा है? हाँ पड़ा है ना, वही तो बोल रहा हूँ। पहले नहीं था, पहले चलता था कुछ भी करो, ऊपर से एक बिजनेसमैन या पॉलिटिक्स फोन करता था ना, मेरा आदमी है कुछ नहीं करने का, तब चलता था, अभी नहीं चलता है, अभी नहीं चलता। और उनका भी क्या क्या गलती, आप देखो कितने सारे वो ऑफिसर अभी बेचारे जेल में सड़ रहे, किसका सुनते हैं, बड़े बड़े मिनिस्टरों का सुन के सड़ रहे। उन्होंने तो नहीं सोचा था, मगर क्या करे, ऊपर से प्रेशर आता है, करना पड़ेगा, तू नहीं करेगा तो दूसरे को किसको बोलेगा, सड़ रहे अंडर, आज पछतावा हो रहा है उनको। मगर एक इंसान के लिए सारे डिपार्टमेंट को गलत नहीं बोलने। भाव आप कईयों के रोल मॉडल हैं, आपने ऑन स्टेज चमाड़ बजा दी, आपको जो चाहने वाले हैं अगर वो भी इस तरह से करने लगे तो आपको नहीं लगता कि हिंसा बढ़ जाएगी? मैं उनको सैल्यूट करेगा, मैं इनको सैल्यूट करेगा। अगर गलत हो रहा है पर वहाँ जाके आप अंधा बन के खड़े रहोगे ना तो फिर आप गलत है। आप गलत हो रहे हैं वहाँ पे कान के नीचे दोगे ना तो उसके साथ मैं भी खड़ा रहेगा। आपको नहीं लगता देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा और आपके ऊपर केस हो जाएगा इस बयान के बाद? अरे बयान के बाद कैसा केस होएगा? अगर मेरी बहन बेटी को कोई रस्ते में उसका साड़ी खींच रहा है, उसको बाल खींच रहा है, उसको अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, तो इसमें लॉ कौन सा बिगाड़ दिया मैंने? हाँ यही आपके सवाल है ना, यही सवाल उनको जाके पूछो ना, जो बड़े बड़े उद्दे पे बैठे उनको जाके पूछो, जो आज आज पॉलिटिक्स देख रहे कैसा हो रही है, कितने गिरे कौन से गिरे लेवल तक जा रहे, माँ बहनों को गालियाँ दे रहे, जाके पूछो ना उनको। बड़े मिनिस्टर लोग है, पूछने में ताकत है आपकी? नहीं पूछेंगे। आप आम आदमी को जाके पूछेंगे, ऐसा बोला, लॉ आपके ऊपर आएगा घंटा। इतना भी छोटा आदमी नहीं मैं कि कोई आके कॉलर को पकड़ेगा, समझा? हाँ मतलब छोटा आदमी नहीं, मतलब थोड़ा तेरी जो मैं मारता हूँ ना, हर ये होने के बाद वो है मैं। हाँ समझता है तू कि मैं क्या बोलना चाहता है, फिर भी मेरे को उंगली करेगा तो फिर मैं चार आदमी में तेरी भी लेगा ना। हाँ ऐसा है, ओके। हाँ मैं समझ रहा आपकी भावनाओं को, आप क्या बोलना चाहते हैं कि बॉलीवुड में भाऊ आप काम करना चाहते हैं तो मेरे को घंटा शौक नहीं है बॉलीवुड में काम करने का। हाँ वो बेचारे आज देखो कितने स्ट्रगलर बेचारे सड़ रहे, कुछ उम्मीद करके ये मुंबई में आते हैं, सपनों की मुंबई बोलते हैं इसको। उनका वो आज बहुत सारे ऐसे चूतिया बेंचो दो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बैठे ऑफिस में बुला के उनका नाजायज फायदा उठाते हैं, उस स्ट्रगलर का मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो मेरा कोई नहीं उठा सकता है, मैं मेरे खुद का मालिक है, समझा? और बॉलीवुड में मैं किसको बोलता है रे, जो गलत है उसको बोलता है? तुम्हारे को नहीं मालूम किसको बोलता है, किसने आर्मी का अपमान किया, वर्दी का अपमान किया, आप लोगों को नहीं मालूम? मैं उनको बोलता है, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिसने किया गलत, मैं उनके बारे में बोलता है, तो कौन सा गलत बोलता है? हाँ नहीं जाएगा अभी नहीं जाएगा, मगर जाने वाले में आपको पता चलेगा किधर तो जाने वाला है। हाँ चलो भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सारा यूथ भी कनेक्ट करेगा इस शो से, थोड़ा सा बताइए एज अ कंटेंट हेड क्या थॉट प्रोसेस था ये शो बनाने के पीछे, क्योंकि हमने किंग देखा एकदम अलग जॉनर का और अब अनसुनी एकदम अलग जॉनर, क्या कहना चाहेंगे एज अ कंटेंट हेड, क्या क्या थॉट प्रोसेस है? जैसे कि मैंने कहा कि इतने सारे शोज़ आ रहे हैं नॉन फिक्शन के, बट अनसुनी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही यूनिक है। किंक में फिर भी सिमिलैरिटीज़ लोगों ने ड्रॉ करा है, स्प्लिट्स विला और अभी टेम्पटेशन आइलैंड आया जो है, बट अनसुनी मैं बोल रही हूँ कि कॉन्सेप्ट एक था बट जब हमने भाव को सोचा तो हमने उसको 100 गुना और ऊपर ले गए, तो इसका पूरा श्रेय मैं हमेशा
भाऊ को ही देती हूँ, डेफिनेटली अपने आप को और रिबू जी को देती हूँ कि हमने काफ़ी ब्रेन रैक करके उनको लाया। बिकॉज जैसे कि वो लेडी ने पूछा था कि वो डेयरिंग होता है ना कि उनके आँख में देखे उनको बोल सकते हैं कि आपको शूट पे आना है रोज सुबह उठ के। बट जब प्रॉब्लम्स आई, जैसे उन्होंने बताया वो रिक्शा वाली स्टोरी, तो मैं हर बार प्रोमो देखती हूँ, मतलब मैंने काटा उस प्रोमो को, बट हर बार मैं देखती हूँ मेरे एक लंप इन द थ्रोट आ जाते कि यार कैसे उसके बेटे ने करा होगा। तो वही चीज़ है कि लोगों को बहुत कनेक्ट मिलेगा जब वो थोड़े से रूड भी होते हैं, तो एक तरफ से मतलब जो जनता कंप्लेन करने आती है ना, उन लोग के लिए जस्टिस है, लोग जस्टिस के लिए आते हैं, कोई यहाँ पे वार्तालाप करने नहीं कि अच्छा ये हुआ अच्छा, जैसे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में करते हैं। तो मुझे वो बात अच्छी लगी कि एक क्लोजर मिल रहा है स्टोरी को बिकॉज ऑफ भाव। तो ये कैरेक्टर ड्रिवन है। इनफैक्ट लोग टाइटल सॉन्ग बनाते शो का, अनसुनी अनसुनी हमने बनाया भाव का, बिकॉज हमें पता है कि अनसुनी के लिए भी लोग भाव के लिए आने वाले हैं। मैम प्रमोशन के लिए किस तरह का आप करने वाले, क्योंकि भाव के जो फैन थे काफ़ी यंगस्टर्स फैन है, कॉलेज गोइंग फैन थे, तो उनके लिए आप क्या करने वाले, कॉलेज में जाकर प्रमोशन के लिए? देखिए वही हमने जब तेरे को टैक्सी का पैसा देना विरार से लेके चर्च गए, हाँ देख लेना कितना प्रमोशन है, होर्डिंग देख लेना। नहीं है, वन ऑन वन बोल रहा है। तो देखिए हमारा एक्चुअली वही हमारा भी परसेप्शन चेंज था जब हमने प्रोमो इसका डाला, तो हमारे को बहुत एक हमारा इम्प्रेशन था कि इनका ना महाराष्ट्र में ज़्यादा बोलबाला है, बट हम इतने शॉक हुए जब हमें नॉर्थ से ऐसे रिस्पॉन्स मिले। तो प्रमोशन हर बार फेजेज में होता है। इनफैक्ट मैंने और रिबू जी ने वही डिस्कस करा कि जो हम लोग महाराष्ट्र सेंट्रिक रख रहे थे वो अब हम शायद थोड़ा वो ऑल ओवर इंडिया कर देंगे, डेफिनेटली यूथ पे भी जाएंगे, बट यूथ से ज़्यादा मुझे लगता है हमारा यूथ सेंट्रिक शो नहीं है जो हमारा किंग था, ये पैन है। अगर आप देखेंगे एक 80 साल के बुड्ढे भी आए हुए हैं, एक 12 साल की लड़की भी आई हुई अपना प्रॉब्लम बताने। तो डेफिनेटली इसमें बहुत सोच के जैसे हमने कौन से बनाया प्रमोशन प्लान करना पड़ेगा, बट आउटडोर प्रमोशन तो आई थिंक मैंने इतने प्लेटफॉर्म और इतने शोज का देखा है वो है ही नहीं, क्योंकि सबने भाव को एक अलग अवतार में अपने पाम पे देखा है। अब उनको मैं तो वही सोच रही थी, मैंने कहा बाबा को बदलने का टाइम आ गया। बापू मैम आफ्टर भाव आपसे भी जानना चाहूँगी, OTT पर है तो कितना लिबर्टी है यू नो कंटेंट दिखाने की, क्योंकि भाव कभी गुस्सा हो के मार देते लाफा, बस आप देखे कोई लिबर्टी कोई हमने ऐसा कर्व नहीं करा है। इनफैक्ट OTT पूरा अनकट वर्जन है, और जैसा किसी आप ही ने शायद पूछा था कि लोग डर रहे थे आने के लिए, तो लोग शायद डरते थे, बट जब उन्होंने वो रिजल्ट देखा कि एक क्लोजर है, तो उन्होंने चार लोग को और बताया, बिकॉज हमारे पास दो लोग ऐसे भी आए थे दो दूसरों को बता के कि आप भी अपना प्रॉब्लम लेके जाइए, तो वो एक अच्छी बात है। जो हमें डर था कि शायद भाव के भय से लोग कंप्लेन करने रहे, यहाँ तो बिंदास मतलब ऐसे कंप्लेन क्या मतलब ऐसे फनी फनी कहानी भी आ रही है, हमें देखने गया तो एक दो जन भाग भी गए थे, इसलिए गलत किया था जिनको लाया था वो टॉयलेट के बहाने वो भाग भी गए थे पीछे से ऐसे। हाँ एक दो बार हमारा शूट भी हमने रोक दिया, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहें, काफ़ी इमोशनल हुए आप, इमोशनल होते नहीं आप। इमोशनल तब होता है ना कि जब वो आंखों के सामने आप देखे हो कि ये कितना बुरा किसी के साथ हुआ है, पर वो अपने उनकी आंखों में वो पानी भरा है और वो अपनी तकलीफें बता रहा है, यानी वो कितने टाइम तक उसने वो चीज़ बर्दाश्त की होगी, कितना टाइम वो घुट घुट तक दिया होगा, फिर वो आपको वो जब वो अपने तरीके से वो बता रहा है ना, तो इंसान वो फिर थैंक यू चला।